मंडी स्थित विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 एनएसएस स्वयंसेवियों ने भाग लिया। शिविर के समापन अवसर पर मंडी नगर परिषद की अध्यक्षता सुमन ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने शिविर के दौरान अपने सेवाएं प्रदान करने वाले सभी एनएसएस स्वयंसेवियों को मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया। मंडी स्थित विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 एनएसएस स्वयंसेवियों ने भाग लिया। शिविर के समापन अवसर पर मंडी नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने शिविर के दौरान अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी एनएसएस स्वयंसेवियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में नगर परिषद अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने कहा कि एनएसएस के माध्यम से स्वयंसेवियों में निस्वार्थ भाव से देश सेवा की भावना का सृजन होता है और वे देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने स्वयंसेवियों से आह्वान किया कि वे शिविर से जुड़े अपने अनुभवों को अपने व्यवहारिक जीवन में अमल में लाएं। इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य परसमराम सैनी, स्थानीय वार्ड नंबर 4 की पार्षद नेहा और एसएमसी की प्रधान विशेष रूप से मौजूद रही। कि अब इस देश का भविष्य है, आप ही इस देश का नेतृत्व करेंगे, तो आपने चाहे वो जागरूकता से लेकर चाहे स्वच्छता से लेकर जो भी बातें इस एनएसएस के कैंप में सीखी हैं, वो अपने घर में अपने समाज में आपने उनको ले जाना है कि स्वच्छता से क्या होता है। अगर हमारा जो है घर स्वच्छ होगा, हमारा जो है आस पड़ोस स्वच्छ होगा, तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे, और अगर हमारे आस पास बीमारियां नहीं होंगी तो हमारा समाज जो है वो कैसा होगा, स्वच्छ होगा। अगर हमारा समाज स्वच्छ होगा तो हमारा सोचने की शक्ति, हमारे काम करने की शक्ति जो है वो और ज्यादा तीव्र गति से बढ़ेगी, और हमारे काम करने की क्षमता जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि स्वच्छता का सीधा संबंध जो है वो बच्चों विकास से भी होता है। अगर हमारा समाज स्वच्छ होगा, हमारा आस पड़ोस स्वच्छ होगा, तो हमारा विकास जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। तो आपने जो इस एनएसएस के कैंप में जितना भी आपने सीखा है वो अपने समाज में जरूर लेके जाना है, क्योंकि जब जब भी कोई भी आपातकाल होता है तो बच्चों आपके एनएसएस वाले ही सबसे पहले जो है वहाँ पर पहुँचते हैं, चाहे कोई आगजनी हो, चाहे कोई बाढ़ हो, चाहे कोई भी आपातकाल हो, तो उसमें आप बच्चों के सहयोग लिए बिना प्रशासन भी अधूरा होता है। तो आपने ये गुण जो है अपने आप में संजो के ले जाने हैं जितने भी